अजय देवगन ने इंडियन सिनेमा के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में भी दी हैं और ये एक हाईएस्ट पेड एक्टर में से भी एक हैं। 2022 में इनकी फिल्म दृश्यम 2 ने तहलका मचा दिया है। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म 340 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और कुछ फिल्में 2022 में इनकी फ्लॉप भी साबित हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अजय देवगन की रिजेक्ट की गई 3 फिल्में के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। नंबर 1 पर तो वो मूवी है जिसने अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तानाजी से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पर कुछ कुछ होता है फिल्म आती है। इस मूवी के लीड रोल में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी हैं। इस मूवी का बजट 10 करोड़ रुपए थे और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 107 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। शाहरुख खान का रोल सबसे पहले अजय देवगन को ऑफर किया गया था लेकिन अजय देवगन ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 2 पर बाजीराव मस्तानी फिल्म आती है। इस मूवी के लीड रोल में रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा हैं। इस मूवी का बजट 145 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 357 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पेशवा बाजीराव का रोल रणबीर सिंह से पहले अजय देवगन को ऑफर किया गया था लेकिन अजय देवगन को अच्छे पैसे न मिलने के कारण मूवी को रिजेक्ट कर दिए थे। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग अजय देवगन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर पद्मावत फिल्म आती है। इस मूवी के लीड रोल में रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर हैं। इस मूवी का बजट 190 करोड़ रुपए था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 572 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणबीर सिंह से पहले अजय देवगन को ऑफर किया गया था लेकिन अजय देवगन ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था।